अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप सबने थंबनेल पे देखा है कि आज हमारा आउटिंग का प्लान बन रहा है, तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी टाइम हो रहा है 8:15 का, और माशाल्लाह से मेरे भाई घर आ चुके हैं, और भाई आ गए हैं और हम प्लान बना रहे हैं कि कुछ बाहर से खाने का। लेकिन भाइयों का मूड तो यही है कि वो घर से खाएं, और लेकिन मैंने उनको ये बोला है कि मेरा तो मूड है आज बाहर से खाने का, तो अगर आप लोगों ने खाना तो आप लोग खाना खा लें, मैं तो बाहर से खाऊंगी। तो फिर भाई ने कहा कि चलो अगर बाहर से ही खाना है तो फिर सब भी बाहर से खा लेते हैं। तो मैंने कहा ऑर्डर नहीं करना, हम खुद जाएंगे और खुद जाके खाएंगे। तो भाई ने कहा चलो ठीक है। फिर मैं चाय बनाने लगी थी छोटे भाई के लिए, तो फिर भाई ने कहा कि चाय भी अब क्या पीनी है घर से, तो बाहर से चाय भी पी लेंगे, तो रहने दो, चलो चलते हैं। फिर मैंने कहा चलो नहीं की और पूछ पूछ, मैं तो फ़ौरन ही फिर बाहर निकल गई। लेकिन जब मैं बाहर निकल के गेट तक गई तो फिर मेरे भाई ने कहा कि हेलो हेलो रुको, इतनी कोई जल्दी नहीं है जाने के, अंदर आओ वापस। तो बस फिर मैं आके बड़े भाई से बातें करने लग गई, और बातें कर रही थी और साथ साथ मैं भाई से डिमांड्स कर रही थी। तो बस फिर मैं भाई से कह रही थी कि भाई आजकल आपकी बहन बहुत गरीब हुई हुई है, कोई लोड छोड़ के पैसे दे दो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे भाइयों को साया में सर पे सलामत रखे। मेरे भाई वर्ल्ड्स बेस्ट भाई हैं, अल्लाह ताला इनको हर गंदी बुरी नज़रों से दूर रखे और उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करें, आमीन सुमा आमीन। और फिर अब हमारा प्लान बन गया बाहर जाने का, तो चलें हमारे साथ, आप भी चलें और देख लें। खैर पहले तो हमने ये सोचा कि हम क्या खाएंगे, तो अभी ये डिसाइड हुआ ही नहीं है हम क्या खाएं। तो बस फिर यही सोच रहे थे कि हम क्या खाएं, कहाँ पे जाएं। तो मुझे कई लोगों ने रेफ़र किया था कि बंजूज़ा में जाएं, खैर आपकी बहन एक छोटी सी ब्लॉगर भी है, इंस्टाग्राम पे जाएं और मुझे फॉलो कर लें, इधर यहाँ पे ही कहीं आपको मेरा आईडी नज़र आ जाएगा या मैं लिंक दे दूँगी, तो प्लीज़ मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। तो मुझे किसी ने कहा था कि बंजूज़ा जो है राह वाली वाला नई ब्रांच है, वहाँ पे जाके आप ज़रूर ट्राई करें और उसके रिव्यूज़ दें। सेटल डाउन वाला तो अच्छा था और वापटर टाउन वाला भी अच्छा है, उसका जायका भी अच्छा था। अब का मुझे नहीं पता, मैंने बहुत देर पहले ट्राई किया था, तो अब हम राह वाली ब्रांच में जाने लगे थे, वहाँ पर चेक करते हैं कि उनका टेस्ट कैसा है। खैर पहले हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाना था, तो मैंने भाई से कहा कि भाई कोई लंबा सा चक्कर लगवा दो। तो पहले भाई हमें लेके गए पीपल्स कॉलोनी, और वहाँ पे मज़ा नहीं आया मुझे कुछ चीज़ें देख के, मुझे पता भी नहीं है वहाँ से क्या मिलता है। खैर चलें फिर आप चलते हैं, हम आपको भी सैर करवाते हैं, आप भी साथ साथ देख लें, और चलें फिर फास्ट फॉरवर्ड में देखें आप भी। जब अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलें फिर चलते हैं।
दिया था और अब हम अपने ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे, तो तब तक ये अंकल आया हमारे पास। ये अंकल जायनमाज और तस्बियाँ वगैरह लेके आए थे और बहुत अच्छे अंकल थे ये। ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प किया करें, बहुत खुददार अंकल थे ये। भाई इनकी हेल्प कर रहा था तो ये कहते कि नहीं मुझे ऐसे, मैंने ऐसे पैसे नहीं लेने, एक रुपया भी नहीं लेना, आप ना मुझसे ये ख़रीद लें। तो फिर जायनमाज मुझे बहुत पसंद आ रहा था, अम्मी को भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैंने फिर ये जायनमाज ले लिया और भाई ने कुछ तस्बियाँ ली इनसे। तो ये भाई को बता रहे थे कि मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है यही है और मैं ऐसे किसी से हेल्प नहीं लेता, मैं कमा के लेता हूँ। तो मुझे ये सुन के ना बहुत खुशी हुई थी। ऐसे लोगों की ज़रूर हेल्प करनी चाहिए। और हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन जो है डिज़र्विंग है, कौन डिज़र्विंग नहीं है? क्या पता हम डिज़र्विंग नहीं है, हमें अल्लाह ताला इतना नवाजता है, अल्लाह ताला का हर चीज़ पे शुक्र अदा करना चाहिए। तो बस ये ना सोचा करें कि ये नशई है, ये डिज़र्विंग नहीं है, ये बिल्कुल हट्टा कट्टा है, ये वो। हर एक की जितनी आपकी तौफीक होती है उतनी मदद ज़रूर कर दिया करें, और अगर आप मदद नहीं कर सकते नहीं, तो फिर उनको जो है ना ऐसे डांटा ना करें, बस प्यार से उनको कह दिया करें। लेकिन ये है कि हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनको ऐसे डांटा ना करें। अगर आपकी सख्त नहीं होती तो उनको प्यार से समझा दिया करें, वो लोग समझ जाते हैं। खैर तो बस फिर हम लोग इंतज़ार कर रहे थे ऑर्डर का, साथ साथ जो है मैं आपको जायनमाज दिखा दूँ। ये बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत था और बहुत सॉफ्ट था। तो बस फिर इंतज़ार करते करते हमारा ऑर्डर भी आ गया साथ। तो इनके शॉर्मा जो है वो मैंने चेक किया था, शॉर्मा इनका अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है जैसे कि वापडा टाउन ब्रांच का था या अरेबिक शॉर्मा था, ये बस ठीक था, मतलब अच्छा था। लेकिन इनका बर्गर, जो इनका जम्बो बर्गर है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और बिल्कुल अच्छा नहीं था। एवरेज टेस्ट था, शायद एवरेज से भी कम, लेकिन मुझे इनका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिन लोगों ने मुझे कहा था कि आप जाकर ट्राई करें, रेफ़र किया था लोगों ने मुझे, तो मैं उनको बताऊंगी कि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था। और लेकिन इनकी सेटल डाउन ब्रांच और बॉब डाउन ब्रांच अच्छी थी, मैंने काफ़ी देर से उधर से भी ट्राई नहीं किया। तो जाहिर सी बात है, अब खाना खा लिया, खाने के बाद कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। तो बेंजुजा के साथ ही जेबिस था, तो हमने फिर जेबिस की आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। जेबिस की आइसक्रीम इतनी मज़े की थी, ख़ास तौर पे जो इसकी ब्राउनी और आइसक्रीम थी ना, वो हॉट ब्राउनी थी, इतनी मज़े की, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे तो मुंह में पानी आ गया अभी भी। खैर उसके बाद वैसे मैं जेबिस की पसंद करती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे क्रेज़ी कॉर्न्स की पसंद है। क्रेज़ी कॉर्न्स की दोनों की अपनी जगह अच्छी है, मैं इनको कोई आपस में इनका कंपैरिजन नहीं कर रही, दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत अच्छी है। खैर इसके बाद फिर हम जा रहे थे घर वापस, और घर जाते हुए मेरे भाई ने इतनी गाड़ी तेज़ चलाई कि जो बस खाया पिया था ना वो सारे चक्कर आ रहे थे। खैर उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मेरे फैमिली व्लॉग्स होते हैं, कुकिंग वीडियोस होती हैं, और कोई सजेशन देना हो तो ज़रूर मुझे सजेशन दें, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लें, मुझे मैसेज कर दें अगर कोई सजेशन देना है आपने। और अगर आपको शाउट आउट चाहिए इंस्टा पे तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, मैं आपको शाउट आउट भी दे दूँगी। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी बहन जो है वो छोटी सी ब्लॉगर भी है। और सब अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मुझे और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो देखते हुए ज़रूर माशाल्लाह किया करें, सिर्फ मेरी वीडियो नहीं, सबकी वीडियोस देखते हुए ज़रूर माशाल्लाह लगा करें। और सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। रुके रुके जाने से पहले मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कर दें प्लीज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ दूसरों को भी रेफ़र किया करें, और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।